गोरखपुर में 78वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मंडल आयुक्त अनिल ढींगरा ने आयुक्त सभागार में कमिश्नरी कार्यालय के अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा स्कूली बच्चों के द्वारा प्रतिभा का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने कविता राष्ट्रगीत प्रतिभाग किया। मंडल युग में बच्चों से उनका हालचाल जाना और इस स्वतंत्रता दिवस पर कामयाब होने की कामना की तथा प्रतिभागियों को मंडल आयुक्त ने भी पुरस्कृत किया। इस अवसर पर अपर आयुक्त प्रशासन कुंवर बहादुर सिंह, अपर आयुक्त न्यायिक राम आसरे, अपर आयुक्त न्यायिक हरिओम शर्मा, जेसी फूड मनोज कुमार सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इस संबंध में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए मंडल आयुक्त अनिल ढींगरा ने बताया, आप अगर इंटरनेट भी खोलेंगे तो स्वतंत्रता दिवस के बारे में जानना चाहेंगे तो आपको हर चीज़ उपलब्ध हो जाएगी, आप पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। हमारे यहाँ पे अधिकारियों ने भी बहुत कुछ अच्छा बताया है और हमारे बच्चों ने बहुत अच्छे जो है गीत और अपने विचार भी व्यक्त किए हैं। ये बात कही है कि जैसे हमारे एक छात्र ने बोला था कि अगर कोई गलती हुई तो हमें माफ़ करिएगा। बेसिकली आपने जो प्रश्न उठाया था वो बहुत अच्छा था, मैं इसी बारे में आप लोगों से भी बात करना चाह रहा था कि हम लोगों को आज़ादी तो मिली है लेकिन इस आज़ादी को हमें और आगे कैसे कैरी फॉरवर्ड करना है, ये हमारी युवा पीढ़ी के ऊपर ही निर्भर करता है। हम 1947 से आज़ाद हुए हैं लेकिन वास्तव में हम आज़ाद हैं या नहीं है, ये प्रश्न हर दिन हमको जब ऐसी कोई घटना होती है या कोई दंगा होता है या कोई जाति धर्म के आधार पर हमारे यहाँ पर कोई विवाद होता है तो हमको सोचने पर मजबूर करता है कि हमको 78 ईयर्स के आसपास जो है स्वतंत्रता मिल गई है। वास्तव में हम लोग उसको जितना आगे और ले जाना चाहिए था उसको ले जा पा रहे हैं या कहीं अभी कमी है। अगर हमारे बीच में उपस्थित हर अधिकारी या हमारा हर व्यक्ति जो है या छात्र इसके बारे में चिंतन करेगा तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम लोग इस वीडियो को और अच्छे से हटा के और आगे अग्रसर हो सकते हैं।